आपके श्री नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश सौलभ शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान है दो ऐसे ऐसे शख्स जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो ऐसे हैं जिनकी ना सिर्फ आप एक्टिंग को सराहते हैं बल्कि उनकी फिटनेस की भी दीवारें हैं, तो दूसरे हैं जिनके कल्पना ने पूरी सीरीज बना डाली। तो चलिए स्वागत करते हैं पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स पर गुरमीत चौधरी और अमित खान का। वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, कमांडर करण सक्सेना का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, बहुत अच्छा है, ट्रेलर भी बहुत अच्छा था। तो कैसा लग रहा है, आप दोनों को कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स? गुरमीत जी से शुरुआत करें। हाँ जी गुरमीत। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हर एक दिन एक एपिसोड ड्रॉप हो रहा है और वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छी बात है कि एक एपिसोड जो है वो 20 20 मिनट का है, तो जब तक लोगों का दिल भरता है तब तक आपको लगता है कि एक और एपिसोड देखना है, जो कि बहुत ही इंगेजिंग है। और क्योंकि दो एपिसोड आ चुका है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये पढ़ के, उनके कमेंट्स पढ़ के, उनका रिस्पॉन्स देख के बहुत ही मजा आ रहा है। आई थिंक ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया है, और अभी बस हमें जनता का रिएक्शन और लोगों तक ये चीज पहुंचानी है, जो कि सबसे अच्छी बात है कि वहां तक पहुंच गई है। अमित सर, कैसा लग रहा नो है? डाउट, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए तो ये और भी ज्यादा इसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि नॉवल, नॉवल से वेब और अब वेब सीरीज, तो एक कल्पना के सच होने जैसा है। जो मेरा हीरो था कागज के पन्नों पर, वो निकल कर देखिए आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ये सही मायनों में कल्पना के साकार होने जैसा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक लेखक के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा करण, आपने इसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली मेंटली कैसे तैयारी की इसके लिए? क्योंकि एक फिजिकली फिर भी हमें ट्रेनिंग ले लेते हैं प्रॉपर, है ना, और मेंटली प्रिपेयर होना एक अलग चीज आ जाती है, तो उसके लिए कैसे तैयारी किया? देखिए, जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, तो मुझे जब कमांडर के बारे में मैंने पढ़ा, और आप जानते हैं कि अमित जी की ये जो नॉवेल्स है काफी पॉपुलर रही है अपने आप पे, मुझे वो भी आ गई थी, वो भी मैंने पढ़ा। तो एक चीज जो मुझे, मैंने डिस्कवर किया कि ये कमांडर जो है देशभक्त है, और रॉ एजेंट के बारे में और गहराई में पता चला कि वो कैसे अपनी फैमिली को छोड़ के अपने देश के लिए के लिए बाहर निकल जाते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। तो सबसे इजी मेरे लिए ये था कि देखिए, मैं खुद भी एक फौजी का लड़का हूँ, बचपन से फौज को बहुत नजदीकी देखा है, खुद देशभक्त हूँ, खुद मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर किसी को मदद की जरूरत है या एक एक नागरिक होने की जरूरत के बदौलत मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। तो आई थिंक कमांडर कहीं ना कहीं मेरे पर्सनैलिटी के साथ मैच करता था। फिजिकली फिट तो था ही, आप सभी जानते हैं, आप लोगों के सामने इतने सालों से हूँ। मेंटली भी मेरे लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि कमांडर का जो सोच है वो कहीं ना कहीं मेरी सोच है, और वो बहुत हेल्प मिली। और सबसे अच्छी बात है कि जो डायरेक्टर हैं, जतिन जतिन सर, वो बहुत ही अच्छे और काबिल डायरेक्टर हैं, और जब राइटर ऐसे हैं, सारे अच्छे दिग्गज लोग थे, तो मेरा काम था कि उसको दिल से पर्दे पर उतारना। अच्छा, इसके जब जब भी कुछ इस तरह का किरदार होता है, जब हम इनफैक्ट टीजर ही देखते हैं, पोस्टर ही देखते हैं, तो हमारा ऑडियंस, एज अ ऑडियंस, हमारा ना माइंड सेट हो जाता है कि ऐसा एक्शन होगा, ऐसा होगा, सब कुछ एक माइंड सेट हमारा पहले से हो जाता है। तो इसके लिए आपने जैसे बताया कि तैयारी आपकी पूरी थी, तो जो स्टंट वगैरह थे, एक्शन सीक्वेंस थे, वो उसको आपने खुद किया, कैसे किया? देखिए, मुझे एक्शन बहुत ही पसंद है और काफी ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों में इतना आउट एंड आउट एक्शन मुझे करने का मौका नहीं मिला था, तो बस मैं इंतजार का मौका देख रहा था। और जैसे ही मुझे कमांडर करण सक्सेना मिला, तो सारे स्टंट, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने एक भी स्टंट, आप जो देखेंगे वो सारा रियल है, सब मैंने खुद अटेम्प्ट किया है। जबकि लोग हैरान हो जाते थे सेट पे कि ये खुद ही कर रहा है, जबकि बहुत गर्मी थी, हीट वेव चल रहा था मुंबई में, और ऐसी सारी गलियां जहां पे हम जाते नहीं है अक्सर, वहां पे हम जा जा के एक्शन कर रहे थे विदाउट केबल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीटीएस वीडियोस मेरे काफी पॉपुलर हुए, जहां पे मैं खुद स्टंट करते हुए दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा लगता है कि एक्टर कोई और ही कर रहा होता है और हम चीट कर रहे होते हैं, लेकिन बीटीएस के बदौलत मैंने सब कुछ दिखाया। तो एक्शन, सारे स्टंट जो आप देखोगे वो सब और सब रियल है, और
आप जब एपिसोड देखते जाओगे तो आपको और मजा हाँ आता रहेगा। अच्छा अमित सर, जब भी कोई किरदार लिखा जाता है ना तो कुछ माइंड में चल रहा होता है, तो जब आपने करण सक्सेना को इमेजिन किया, उनके बारे में सोच रहे थे, तो आपके क्या माइंडसेट क्या था, क्या चल रहा था? ये देखिए, मुझे 32 साल पहले इसका पहला नॉवल आया था, और मैं दिखाऊं, देखिए मेरे पास है कि जो इसके पुराने नॉवल थे ये इस तरह के होते थे, ये 10 10 15 15 रुपए में आते थे। अच्छा हाँ तो ये इसका पहला नॉवल है, हाँ और ये इसकी पहले नॉवल का, ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखें, ये हमने पहला नॉवल में स्केच बनवाया था एक कमांडर के बारे में, ये जो था, हाँ ये फर्स्ट अमेजिंग नॉवल है, ये 15 रुपए में पब्लिश बुक है। उसके बाद तो बहुत एडिशन निकले, सब हुआ, तो नो डाउट एक देशभक्त किरदार के बारे में सोचा था, और मुझे भगत सिंह बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे, और भगत सिंह से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर किस वे में, कि शायद सबको पता है कि भगत सिंह की लड़कियां बहुत फैन थी, और भगत सिंह यंग एज में ही शहीद हुए, और वो देश यानी लड़कियों से ज्यादा देश से प्यार करते थे जो भगत सिंह थे। तो कहीं ना कहीं वही अंश मैंने कमांडर करण सक्सेना के अंदर डाला, कि उसका एक डायलॉग भी है जो बड़ा फेमस है, कि लड़कियां दीवानी उसकी, हर जगह एक प्यार की कहानी उसकी, कमांडर करण सक्सेना की लाइन है, लड़कियां दीवानी उसकी, हर जगह एक प्यार की कहानी उसकी, एक अकेला दिल किस किस को देगा जो पहले ही देश पर अपना दिल हार चुका हो, देश के दुश्मनों को मार मार कर लाल किले पे वार चुका हो। तो ये उसका एक कैरेक्टर था जो शुरू से था, और नो डाउट रॉ का एजेंट इसके लिए बनाया, चूंकि जो देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए एक इंटरनेशनल मिशन को अंजाम दे, तो शुरू में, बल्कि इसकी जर्नी बहुत कमाल, बहुत अलग रही है करण की। उसके ऊपर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी करण की अपनी एक कहानी है। जैसे जब पहला इसका उपन्यास प्रिंट हुआ तो करण, उसके ऊपर पब्लिशर ने करण लिखा था, जो फिर उसके बाद करण लिखा गया, फिर करण सक्सेना हुआ कवर के ऊपर। फिर हाँ पब्लिशर ने एक दिन मुझसे बोला, अमित जी जब 4 5 किताबें आ गई, कि आपके नाम से लोग किताबें मांगने लगे हैं, लेकिन कमांडर करण सक्सेना के नाम से कोई नहीं मांगता, ये तो बहुत गलत बात है। जैसे जेम्स बॉन्ड ज्यादा फेमस है, जैसे शर्लक होम्स ज्यादा फेमस है, उनके ऑथर को जानते ही नहीं लोग, तो मुझे हाँ भी अजीब लगा। फिर मैंने थोड़ा अलग तरह से लिखना शुरू किया, और फिर एक अलग पैटर्न अपनाया, फिर मैंने अपना नाम छोटा किया, ये मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये भी पुरानी बुक है, कमांडर हाँ करण सक्सेना ये टॉप पर है, तो इस तरह से कमांडर करण सक्सेना को, और फिर करण सक्सेना की एक अलग जर्नी शुरू हो गई, और इसकी फैन मेल भी एक अलग थी। लोग शुरू में, मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं, आज से 20 साल पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो सबसे ज्यादा लेटर आते थे, और जो लोग हीरो को देखते थे, लोग अक्षय कुमार को देखते थे शुरू में, बीस हाँ साल पहले सिर्फ अक्षय कुमार। तो फिर 10 15 साल से वो जर्नी वो खत्म हुआ खेलते हुए, तो एक अलग कहानी है यानी करण सक्सेना की। फिर ऑडियो आई, जिसे सोनू सूद साहब ने किया, और फिर अभी गुरमीत जी एकदम यंग हैं, बहुत एनर्जी है, और बहुत, ऐसा नहीं मेरे सामने बैठे हुए हैं इसके लिए बोल रहा हूँ, वाकई ही बहुत दिल से काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया, ये यानी चीज तो है। हाँ नहीं, बोलिए आप बताइए। यानी इनसे मिलके जो लगा, नहीं, एक जज्बे वाले आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, और ईमानदारी भी बहुत जरूरी होती है किरदार के अंदर, क्योंकि जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम लेखक हो, चाहे हम एक्टर हो, या कुछ भी हो, तो वो हमारे काम में ईमानदारी दिखाई नहीं देगी तब तक। बिल्कुल तो वाकई मिलकर इनसे और इनके साथ काम करके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की डेट में, कि कमांडर करण सक्सेना इन्होंने किया, पूरी दिलो जान डाली है इन्होंने। ये चीज तो है, क्योंकि फिट भी बिल्कुल बैठ रहे हैं गुरमीत। गुरमीत का जब ट्रेलर ही देखा था तो गुरमीत फिट बैठ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे हो गुरमीत, आप कमांडर करण सक्सेना बने हुए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपकी आपकी जो फिटनेस है उसको तो लोग पहले से ही बहुत पसंद करते हैं। आपकी आपकी एक्टिंग कोई जब पीछे मुड़ के देखे, आपके टीवी शोज को देखे, तब से ही लोग आपकी एक अलग तरह की फैन बेस है आपकी। तो अपने जो फैंस हैं जो आपको हर तरह के किरदार को पसंद करते हैं, तो उनको क्या कहना है आप? देखिए, मैं जो भी हूँ वो सब फैंस की बदौलत ही हूँ, और मैं जो भी करता हूँ अपने फैंस के लिए ही करता हूँ।
जब भी बहुत मेहनत करता हूँ, जब भी कमांडर के शूटिंग के दौरान काफी चोटें भी लग रही थी, काफी डिफिकल्ट शूट था, इजी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यही सोचता था कि मेरे फैंस जो इंतजार कर रहे हैं वो हाँ देखेंगे और उनको उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये सब कुछ मैं अपने फैंस को डेडिकेट करता हूँ। और आज जब एपिसोड आ रहा है रात को 12 बजे डिज्नी हॉटस्टार पे ड्रॉप होता है, और उस वक्त जिस तरीके से कमेंट्स आने लगते हैं, जिस तरीके से उनकी खुशियां होती हैं, जिस तरीके से वो फोटोज और वीडियोस कट करके वो बनाने हाँ लगते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि, और अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे फैंस मिले, लॉयल फैंस हैं जो इतने सालों साल मुझे देखते रहते हैं। अच्छा गुरमीत, आपने जब से करियर को शुरू किया, आपने करियर की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक आपने टीवी और बॉलीवुड दोनों जगह का आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो कितना बदलते हुए देखा है आपने, और क्या कुछ जो आपको लगे हैं कि अच्छे चेंजेस हैं और ये नहीं होने चाहिए? देखिए, बदलाव तो सबसे अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला टेलीविजन में काम करने का। वहां से बहुत सारा नाम, शोहरत, सब कुछ मिला मुझे, इज्जत मिली, और उसी के बदौलत मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिली और मैं फिल्में कर रहा हूँ। और अब चूंकि ओटीटी काफी बड़ा है और एक यहाँ पे बहुत ऑडियंस है, तो ये एक चीज रह गया था, तो मैंने ये भी शुरू कर दी है, शुरुआत हो गई है कमांडर करण सक्सेना से। तो देखिए, एज एन एक्टर मुझे हर प्लेटफॉर्म में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डेब्यू हुआ है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, महेश भट्ट के साथ, मुकेश भट्ट के साथ मेरा मेरा बॉलीवुड में करियर स्टार्ट हुआ था, एंड टेलीविजन तो आप जानते हैं, रामायण। तो मेरा करियर एक अपने आप में एक ड्रीम है जो हर कोई करना चाहता है, मैं खुद भी सोचता था। तो आई थिंक मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी जर्नी काफी अच्छी रही। मैं नहीं कुछ बदलना कुछ नहीं चाहता हूँ यार, मुझे लगता है कि बदलाव खुद में होता है, खुद की सोच में होती है। मैं बस ग्रो होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान रहना चाहता हूँ, और मैं एज एन एक्टर बड़ा होता होना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मुझे देखे, जो मुझे नहीं भी जानती है। मैं नहीं चाहता कि कोई एक ऐसा इंसान हो कि जो मुझे पहचाने और मतलब देखे और सोचे कि ये कौन है। मैं चाहता हूँ हर किसी के पास पास मेरा नाम हो और मेरा चेहरा हो। हाँ अच्छा मिस्टर, जब कोई बुक होती है तो उसपे कोई मूवी बनती है, कोई सीरीज बनती है ना, और जो लिखा होता है, जो लिखने वाला होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है, और जो जब दर्शाया जाता है, जो दिखाया जाता है स्क्रीन पे, वो चीज थोड़ी कहीं ना कहीं तो होती है ना अलग। अलग जब होती है। आपने देखा था करण सक्सेना को स्क्रीन पर, तो आपको लगा था कि हाँ ये बिल्कुल मेरी कल्पना है? और मैंने गुरमीत जी को भी कई बार बोला, हालांकि हाँ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो दिल से बोलता है, जो दिल से है, वो ईमानदारी से बोलना चाहिए। मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज था। अच्छा, ऐसा इनके साथ की बात नहीं है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, कंफ्यूज। अच्छा हाँ, मैं जब नॉवल लिखता हूँ तो मैंने 100 से ज्यादा नॉवल हो गए हैं मेरे पब्लिश, लेकिन मैं जब भी नया नॉवल लिखने बैठता हूँ तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि यार लोगों की। और अभी गुरमीत जी ने भी जो बात बोली ना, वो जैसे वो उन्होंने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, वो सेम राइटिंग के पॉइंट, मुझे लगता है हर जो क्रिएटिव आदमी होता है उसके अंदर वो जज्बा रहना चाहिए। वो जो अभी गुरमीत जी ने बोला है कि, और एक ख्याल ये रहना चाहिए कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। एनीवे, मैं ही बोल रहा था कि जैसे जब हम शुरू में कंफ्यूजन था कि मेरे माइंड में, मैं किसी को बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता है कि वो कंफ्यूजन जब तक स्क्रीन पे नहीं आएगा उससे पहले बोलना गलत है, तो तभी चीजें पता चलती हैं। जैसे मैं तो शुरू में जब सोनू सूद साहब ने आवाज दी, मैं तब भी कंफ्यूज था, तो मुझे लगा ये कमांडर करण सक्सेना से मैच होगी या नहीं होगी, उस किरदार से किस तरह से होगा। तो इसी तरह से मैं या अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन वाकई जब मैंने देखा, मैं सेट पे जाता था शुरू में बहुत ज्यादा कमांडर के सेट पर, और वो जाने के पीछे रीजन सिर्फ ये था कि मैं देखता रहता था चुपचाप खामोशी से कि कमांडर सिर्फ और सिर्फ गुरमीत जी पे ध्यान होता था। ये भी आज मैं ईमानदारी से इनके सामने बोल रहा हूँ, इनको पता हो या नहीं पता हो, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो कुछ अलग समझते थे, मेरे आने का रीजन सब अलग अलग समझते थे, लेकिन वो सब बेवकूफियां थी, उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोकस होता था गुरमीत जी का, क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो मैं सिर्फ इनको देखता था और मेरा विश्वास आने लगा था, और इनका कॉन्फिडेंस, इनका जज्बा, इनकी ईमानदारी, यानी मैं समझ गया था ये करेक्ट है हर एंगल से। और मैंने इनको भी नहीं बोली थी ये बात शुरू में, ये मैंने अभी जो प्रमोशन शुरू हुआ तब से बोलनी शुरू की है ये बात। तो वाकई जब मैंने देखा तो अच्छा लगा।
और बिल्कुल फिट लगे। मैं फिटनेस के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, फिटनेस एक बहुत ओवर अलग, हाँ पूरा। फिटनेस एक बहुत अलग चीज है, वो तो मैं ये मानता हूँ एक बेसिक चीज है। देखिए मैं उसको कम करके आंक रहा हूँ, फिटनेस होना यानी फिट होना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी, लेकिन एज ए परफॉर्मर और किरदार में करेक्ट नजर आना वो एक अलग दुनिया होती है, अलग चीज। अच्छा मेरे माइंड में हमेशा चीजें चलती थी, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे जो नॉवल पढ़ने वाले हैं एक दो लोगों ने, हमारी अलग साइट्स चलती हैं कुछ जो बुक्स की साइड होती हैं, तो इसका क्लैंसी हेड पहनता है, मैं आपको एक और हैरानी की बात बता रहा हूँ, तो हाँ वो कमांडर करण सक्सेना के किरदार में उसका कभी कभी ओवरकोट यूज करता है और क्लैंसी हेड यूज करता है, तो वो बहुत पॉपुलर है जो हाँ नॉवल पढ़ने वालों में। तो परसों ही मैं देख रहा था कि कोई लिख रहा था इसमें हेड तो दिखाई नहीं दे, क्योंकि एक अलग दुनिया बन जाती है उनकी रीडर्स की, लेकिन थोड़ी ये चीज तो है। थोड़ी चीजें देखिए फर्क होता है, और मुझे लगता है कि वो रीडर भी समझते हैं, रीडर भी बेवकूफ नहीं है, लेकिन असली चीज है लोगों को एंटरटेन करना, किरदार में बहुत फिट नजर आना, और थोड़ी बहुत कहानी ऊपर नीचे होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानता हूं कि बहुत खराब नहीं होनी चाहिए चीजें, अच्छी होनी चाहिए तब भी वो वर्क करती है, गड़बड़ जब हम नेगेटिव ट्रैक पर होते हैं तब वो गलत चीजें होती हैं। तो और गुरमीत भाई तो बिल्कुल फिट हो गए कमांडर कराउन सक्सेना। बिल्कुल। अच्छा थैंक यू, गुरमीत थैंक यू सर, सो मच। जब एक तरह की फिल्में आने लगती है ना, एक एज अ ऑडियंस में बात करूं तो हमारा भी एक माइंड सेट होता है कि अच्छा ये आने वाली है, ये आने वाली है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये एक ही टाइप की है ना। तो आजकल इन दिनों की मैं बात करूं तो ये देशभक्ति वाली पेट्रियोटिक टाइप की फिल्में बहुत आई थी, तो आपको एक टाइम पे आपके माइंड में ऐसा हुआ था कि ये कंपटीशन टफ हो रहा है? नहीं ऐसे देखिए, एक्चुअली कोई रूल तो है नहीं, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस ज्यादा देख रही है, ये ऑडियंस नहीं देख रही है। अगर अगर हमें एक्चुअली मालूम होता तो हम सभी वही फिल्में बना रहे होते और वैसी स्टोरी कर रहे होते और सारी फिल्में हिट हो रही होती है। सो कोई एक पर्टिकुलर एक कोई चीज हमने आज तक किसी ने क्रैक नहीं किया है। मुद्दा यह है कि क्या हम शिद्दत से, मन से और मोहब्बत से बहुत ही पैशनेटली ऑब्सेशन की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर जब वो आप करते हो तो ऑडियंस के दिल तक आप पहुंचते हो। तो मुझे ये पता था कि क्योंकि जब मैं साइन करने से पहले अमित जी की जो नॉवल थी वो मैंने पढ़ी थी, और ऐसे भी फौजी का लड़का हूं तो देशभक्ति है और ऐसे किरदार मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, तो अच्छा मौका था, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत ऑडियंस आती है, मोबाइल पे फ्री है ये कमांडर करण सक्सेना, तो मुझे लगा कि ये मौका है जहाँ पे आप ऑडियंस को अपना टैलेंट, अपना एक्शन और देशभक्ति दिखा सकते हो। कोई अच्छा प्रोडक्ट कैसा भी हो, किसी भी दौरान पे हो, वो जरूर चलता है। अच्छा, अब आपकी फिटनेस के शुरू से लेके अब तक बात चल रही है, तो बहुत सारे जो आपके फैंस हैं वो हमारे व्यूअर्स भी होंगे, तो वो जानना चाहेंगे, कुछ सीक्रेट बता दो आप, अपना शेयर कर दो, कैसे आप फिट रहते हैं, क्या कुछ खास करते हैं, ये भी जरूर शेयर करो आप। या आई थिंक यू नो पिछले 8-9 महीने से मैं लगातार शूट कर रहा था, तो खुद ही मैंने डिस्कवर किया और मैंने ये माना, हम हमेशा बोलते हैं कि 80% आपका डाइट होता है और 20% आपका वर्कआउट होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 5% आपका एक्सरसाइज होता है। ऑफ कोर्स वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, मैं 95% इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 95% आप खाना जो सही खाओगे वही आप दिखोगे, वही आप सोचोगे। जब आप अच्छा खाते हो तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अपने हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ एक्टिंग फील्ड नहीं, आप किसी भी फील्ड में आप फिट रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अच्छा सोचोगे। तो मेरा मंत्र यही है, डाइट अच्छा फॉलो करना है और वर्कआउट करते रहना है। तो आप यकीन माने कि 14-15 साल हो गए मैंने समोसा नहीं खाया है। तो 14 साल से समोसा नहीं खाना, पिछले 8 सालों से शुगर बिल्कुल भी नहीं खाया है मैंने, और एक ही खाना जो है वो लगातार हर मील में मेरा होता है पिछले इतने महीनों सालों से, तो इस किरदार की जब तैयारी कर रहा था, तो टेस्ट बर्ड नाम की चीज मैंने हटा दी है। हाँ आई नो ये टफ है यार, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा इजिली बोल रहा हूँ, बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है कि अच्छे खाना ना खाएं, मीठा ना खाएं, लेकिन ये डेडिकेशन है यार, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, तो वो माइंड को मैंने वो अपने आप को पकड़ के रखा है।
चलो बहुत अच्छी बात है, चलो ये भी पता चल गया। और जो उम्मीद करते हैं हम कि जो अगले एपिसोड होंगे वो भी ऐसे ही हिट जाएंगे, बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा आपको और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।